नहीं मैम, वो तो बच्चे मेरे पास ही छोड़ गए, फेंक के चले गए, मैं पूरी गली के सामने फेंका है। और आपको धक्का दे दिया मम्मा ने? हाँ, रीता भी ताला बंद हो गया था तो। पड़ोसी बताते हैं ज्यादातर कि इनके आपस में रात रात भर लड़ाइयाँ होती रहती थी। आखिर क्यों लव मैरिज करने के बाद एक बीवी अपने पति के साथ रहने को तैयार नहीं है? आखिर क्यों एक माँ ने अपने मासूम बच्चे को पहली मंजिल से दे दिया धक्का? इस खबर में करेंगे खुलासा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मेरा नाम है आफरीन खान। और क्या कुछ है पूरा मामला, इस खबर में करेंगे खुलासा। क्या नाम है आपका? मैम मनोज। मुझे ये बताएं कि पूरा मामला क्या है। मैम मामला ये था, मेरी वाइफ 15 दिन से मई के गई हुई थी, तो मेरे को बुलाया कि आके मुझे ले जाओ। जब मैं लेने गया तब उसने, उसकी मम्मी ने मेरे बच्चे को, उसको बरदान को धक्का दिया। तो मैंने बोला कि आपने धक्का क्यों दिया ऐसे, तो थोड़ा मैं भी गरमराया कि तूने मेरे बच्चे को कोई धक्का देगा, तो मैं बोला ढंग से। तो इतने में उसका भाई आया, उसने मेरे पे हाथ छोड़ दिया। फिर मैंने उसकी कंप्लेंट करी तो हम दोनों पार्टियों को बंद कर दिया, साले को और मेरे को। फिर हमारे नेपसा थाने में हम 24 घंटे बंद रहे, तो 8 तारीख को हमारी जमानत हुई है। मेरी वाइफ ने बोला है, लिखित में बोला वकील ने मेरे से कि इसकी वाइफ इसके पास नहीं आना चाहती। तो मैंने, मेरे वकील ने बोला कि आप भी मत लेके आना, तो मैं भी लेने नहीं गया। फिर मैं अपने घर पर आता हूँ उसी रात को, 8 तारीख को। 8 तारीख को मेरा 4 बेग भर गए, उसकी माँ मतलब मेरी सास और मेरी वाइफ, वो सामान लेके चले गई। गली वालों ने देखा, मकान मालिक ने देखा, सबने समझाया भी, मकान मालिक ने समझाया लेकिन वो नहीं समझे, वो लेके चले गई। जिसमें मेरा बहुत सारी चीज़ें थी, मैंने लिखित में दे रखी है, बताई थी, लेकिन थाने में मैं 100 नंबर फ़ोन करा, थाने वालों ने मेरे से गलत व्यवहार से बात करी और मेरे लिए कोई सुनवाई नहीं करी। आप मुझे बताएं, जब आपकी बीवी यहाँ से आकर सामान लेकर चली गई, उस वक्त घर पे कोई था या नहीं था? कोई नहीं था मैम, कोई नहीं था। गए थे आप? मैं तो बंद पड़ा था मैम, जमानत हुई तो मैं ऐसे आया था, कम से कम 6 बजे के 4 बजे करीब घर पे आया था मैं, और वो सुबह के टाइम ले गई है सारा सामान। क्या आप अपने माता पिता के साथ रहते हैं या आप अलग रह रहे थे शादी के बाद से? अलग ही रह रहा हूँ मैम, 6 साल से अलग हूँ मैं। आपकी शादी को कितना समय हो गया? 8 साल हो गए मैम। और कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे मैम। 4 बच्चे जी मैम। बड़ा लड़का, बीवी का नाम? बड़ा लड़का 6 साल का, बीवी का नाम राखी है। तो आप लोगों की अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज थी? मैम लव मैरिज थी। कितने साल आपकी जो शादी थी वो सही चली? मैम 7 साल तक सही चली। जब अभी ये अपनी माँ से मिले, 1 साल हुआ है इसे, जब से मेरा जीना दुश्वार कर रखा है इसने। सब कुछ मेरा ले जाती है और माँ को दे देती है। इसकी माँ आए दिन मेरे घर में बैठ जाती है, इसलिए मेरे मकान मालिक ने बोला कि मनोज देखो इतना तुम्हारी सास का ना ठीक नहीं है। तो मैंने बोला भैया अगर मैं कुछ बोलूँगा तो फिर मेरी वाइफ मेरे से लड़ेगी, घर में कलेश होगा। इस चक्कर में चुप लगा जाता था मैम, और वो डेली आके कुछ ना कुछ सिखाती थी कि तू इतनी गर्मी में कैसे रहेगी, यहाँ पे AC लगवा, इससे मैं AC कहाँ से लगा दूँगा। क्या काम करते हैं? मैम मेरा छोटा सा काम है पेस्ट कंट्रोल का मैम, यही काम है मैम, यही करता हूँ, इसी से अपना घर परिवार चला रहा हूँ मैं। तो 7 सालों तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन जब से आपकी बीवी ने उनके मायके वालों से मिलना शुरू करा तो आपके घर में कलेश शुरू हो गया। बिल्कुल मैम, पूरा हो गया। अभी तो ये भी बोला है कि 4 बच्चों के कोई बात नहीं, अभी तेरी उम्र कम है, 27 साल की, तो तेरी शादी मैं करा दूंगी। उसके भाई ने भी ये बात बोली मेरे को, और उसका भाई तो मेरे को हमेशा आए दिन धमकी देता रहता है कि तू जहाँ मिल जाएगा और बाहर मिल जाए तेरे हाथ पे तोड़ दूंगा या तेरे को कर दूंगा कुछ भी। मुझे डर भी लगा रहता है इनसे। मुझे ये बताएं, जो आपकी बीवी है क्या वो भी आपको छोड़ना चाहती है? मैम उसने तो ये बोला था मेरे से थाने में कि मैंने बोला तुम रहना चाहती हो मेरे पास, तो उसने बोला हाँ रहना चाहती हूँ। मैंने बोला हाँ मैं भी रखना चाहता हूँ। फिर उसकी मम्मी ने पता नहीं क्या बोला क्या नहीं, तो वो बोल लिया मैं नहीं रहना चाहती, ऐसे बोल लिए मैं। और मेरे बच्चों का सारा वो सर्टिफिकेट वगैरह ले गए, जो प्रूफ ID प्रूफ वगैरह सब ले गए बच्चों का। और कब लेकर गई हैं मैम? ये 8 बजे के सुबह के टाइम वो CCTV कैमरे में आ गया, मेरी सास और मेरी वाइफ है वो दोनों ले गई हैं। क्या कुछ सामान आपके घर से गायब है? मैम कैश था मेरा 20,000 रुपये, और बाकी कान के टॉप थे गोल्ड के, और एक नथ थी, एक अंगूठी थी, और बाकी बच्चों के चंदा सूरज गड़ूले ये सब था। और मेरे साथ रहे मेरे को और कुछ वो नहीं है, मेरी वाइफ रहे, मैं रखना चाहता हूँ, मैं तो अच्छे से रखना हूँ, शुरू से रखता हूँ। मेरे मकान मालिक ने भी समझाया था जब वो सामान लेके जा रही थी, लेकिन उनसे भी बदतमीज से बात करी है। मुझे ये बताएं कि आपकी बीवी ने आपके खिलाफ कोई कंप्लेंट दर्ज कराई है? हाँ मैम, वो कंप्लेंट उसी ने ये थाने ले गई थी मेरे को। किस चीज़ की कंप्लेंट दर्ज कराई? मैम वो मेरे को कोर्ट में उन्होंने लिखित में दिया था कि मैं इस आदमी के पास नहीं आना चाहती, तो मेरे वकील ने भी मेरे को जमानत के टाइम पर समझाया था अगर ये नहीं आना चाहती हैं तो आप भी मत लाना, अगर अगर दोनों के आपस की संबंधी से तो थाने से लिखवा के ही लाना, नहीं तो ऐसे ठीक नहीं है। तो मेरे घर पर आके बैठ गई, तो मैंने बोला थाने में जाके तुम पहले लिख के दो कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन उस औरत ने कुछ नहीं, सीधा मेरे ऊपर बस इंजाम पे इंजाम लगाती रही थाने में बैठ के बस। और वो जो आईओ हैं जिन 2 फूल थे उनके, भगवान दास उनका नाम है, उन्होंने तो उसको और सिखाया कि इसके नाम की जो जो कंप्लेंट रखनी है वो कर, और नहीं तो अपने घर से कंप्लेंट कर, तब जाके इसके ऊपर केस बनेगा। ठीक है, अब मुझे बताएं आपकी जो बीवी हैं आपके बच्चों को अपने पास रखने को तैयार हैं या फिर नहीं? नहीं मैम, वो तो बच्चे मेरे पास ही छोड़ गए, फेंक के चले गए, मैं पूरी गली के सामने फेंका है।
अपने बच्चों को ही फेंक दिया? बिल्कुल, अपने बच्चों को और डेढ़ महीने के बच्चे को भी फेंका यहाँ पे, यहीं पे, यहीं पे जमीन पे दे के मारा। बताओ मैम, मैंने इतना बर्दाश्त करा हद से ज्यादा। देखिए, इस वक्त पीड़ित के जो मकान मालिक हैं वो हमारे साथ मौजूद है, एक बार उनसे ही बातचीत करते हैं। वो कुछ हमें बताना चाह रहे हैं, एक बार पूछते हैं कि आखिर क्या चीज है वो। जी सर, आप कुछ बता रहे थे अभी। मैम, मेरे यहाँ इनको रहते हुए आज कई साल हो गए और बहुत तरीके से रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। अभी कोई 8 महीने हुए हों या साल हुआ हो, ये लोग अपने साले की शादी में गए थे बिहार। जब से कुछ समस्याएं ऐसी आई कि वहाँ क्या हुआ मुझे नहीं मालूम, बाकी बता रहे थे कि हमें यहाँ से आने नहीं दे रहे थे बिहार से, और यहाँ इनके चाचा ख़त्म हो गए थे, एक पूरन जी हैं, तो इनकी माता जी ने टिकट यहाँ से कराई तभी ये वहाँ से आ पाए। और बता रहे थे कुछ पैसे वैसे थे तो वो साले की शादी में खर्च हो गए। मुझे भी करीब साल भर से ज़्यादा हो गए, इनका किराया वगैरह भी नहीं दे रहे, क्योंकि कोरोना का समय था, नौकरी वगैरह छूट गई थी। और कुछ इनकी धर्मपत्नी जी के खर्चे कुछ ऐसे थे, सामान ऑनलाइन मंगाना, अपनी ही ख्वाहिशें पूरी करना, पैसे अगर लेकर आते थे तो हमें 1000 कभी 2000 कभी 1500 ऐसे मिल पाते थे। आज 25,500 रुपये तो किराया बाकी है, और ये मनोज की माता जी ने हमारे लिए दिए भी थे पैसे कि ये तुम दे देना उनको, मकान मालिक को, कुछ बाकी रह जाएंगे आगे एडजस्ट कर लेंगे। अब वो 8 तारीख की सुबह आई तो मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि वो सामान लेके जा रहे हैं। मैंने किराया दिया नहीं, सामान लेके कैसे जा रहे हैं? तो मैं आया जल्दी से भाग के, तो देखा वो 4 बैग लेके जा रहे थे। मैं सोचा सारा सामान लेके जा रहे हैं। मैंने बोला, भैया क्या बात हो गई? कह रहे जी वो ऐसे ऐसे मनोज ने मेरे भाई को मारा और वो जेल में बंद है और मैं अब इनके पास नहीं रहना चाहती हूँ। उनकी माता जी तो बहुत ही उल्टा सीधा बोल रही थी। मैंने समझाया, मैंने कहा गृहस्थी में आपस में लड़ाइयाँ होती रहती हैं, आप इतनी जल्दबाजी से कोई चीज़ को मत तोड़ो, नहीं बाद में जोड़ने में दिक्कत आएगी। बीबी तो उनकी खैर थोड़ा सा उस समय सही से बात कर रही थी, लेकिन माता जी बहुत ही हाई पर हो रही थी। ठीक है, आप मुझे ये बताएं, इन दोनों के जो रिश्ते थे, मतलब 3 सालों से आप बता रहे कि लोग यहाँ रह रहे थे, तो कभी कोई लड़ाई झगड़ा आपने सुना हो? किस तरीके के रिश्ते थे इन लोगों में? मैडम, मैं मकान मालिक मान लो या उम्र के हिसाब से मान लो, किसी के कमरे में मेरा आना जाना नहीं है। आज भी मैं 2-3 बार से आ रहा हूँ जबकि फैमिली नहीं है यहाँ पर। पड़ोसी बताते हैं ज़्यादातर कि इनकी आपस में रात रात भर लड़ाइयाँ होती रहती थी। किस बात को लेके होती थी? लेकिन होती हैं ये जब से बिहार से शादी से आए हैं, अपने साले की शादी से। अब क्यों होती तो वो तो यही बता पाएंगे, इसके बारे में तो मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन अभी हाल फिलहाल ये 2 दिन पहले भी उनकी बीबी आई, ताला जब खोल के 8 तारीख को सामान ले गई थी चाबी, क्योंकि उसकी उनके पास थी। अब इन्होंने ताला दूसरा बदल दिया तो ताला नहीं खोल पाई, फिर भी वो तोड़ने की कोशिश कर रही थी। तो मैंने गुस्सा किया, मैंने कहा मेरे मकान में आपका कोई हक नहीं है, आपका हक है तो आप अपने ससुराल चले जाओ। आप यहाँ रह रहे होगे लेकिन अभी जो है ना आप यहाँ पे अकेले हो, इसलिए आप यहाँ मत रुको। लेकिन वो नहीं, कुछ अलग ही, मतलब जैसे कुछ माँ बाप ने समझा के भेजा हो, तो उसके हिसाब से वो बहुत ज़्यादा हाइपर हो रही थी। लेकिन फिर भी मनोज ने आके पुलिस वालों के सामने आए, मनोज इनकी माता जी भी आई कि पुलिस वालों के सामने जाएंगे तो शायद कुछ क्लियर हो जाए बात। हो भी गई थी क्लियर, ये ताला वाला खोल के अंदर ले भी रहे थे, फिर एकदम से वो पता नहीं क्या झपट्टा सा मारने लगी कि मुझे मेरा सामान और भी दो, ये है वो है, पता नहीं क्या सामान मांग रही थी। इस चक्कर में फिर इन लोगों ने, इन्होंने ताला नहीं खोला, फिर वो थाने जाने के लिए तैयार हो गए ये लोग। ये तो माता जी और बेटे दोनों नीचे उतर गए, अपने 3 बेटों को लेकर आई थी, जिसमें एक तो नवजात शिशु है करीब 2-3 महीने का, उसको तो गोद में ले रखा था, बाकी 2 बच्चों को वो तो यहाँ लेटा हुआ था। तो क्या ये बात सच है कि उन्होंने अपने बच्चे को यहाँ ज़मीन पर फेंक दिया? जी मैडम, मैं वहाँ पर खड़ा था जीने के आगे, उधर बरामदे की तरफ, अगर मैं वहाँ ना खड़ा होता तो वो तो ऊपर से ही फेंकने को तैयार थी नीचे कि अपने बच्चों को ले जाओ, मैं कहाँ से पालूंगी। पालना ना पालना अलग की बात है, लेकिन अगर चोट ज़्यादा लग जाती, गुस्से में तो पता नहीं चलता ना, आपा खो देता आदमी। वो तो मैं खड़ा था तो मैंने समझाया, मैंने कहा क्या हो रहा, पागल हो रही हो क्या? तब वो जीने से ही फेंक दिया उसने बच्चे को। अभी मंजिल पर हम लोग हैं और यहीं से फेंक दिया। हाँ, फर्स्ट फ्लोर पर है बेटा, बच्चा है, वो उससे भी पूछोगे तो आपको बताएगा, इतने तो समझ रखता है कि मेरी मम्मी ने मुझे फेंक दिया था नीचे, लंगड़ा रहा था वो बेचारा। मतलब गुस्से में कुछ भी हो सकता है, अब क्या बताऊँ, इन लोगों को अपना परिवार ख़राब कर रहे हैं, पता नहीं किसके सिखाए में, जबकि लव मैरिज किया इन्होंने, लव मैरिज में तो ज़्यादा एक दूसरे के ऊपर फेथ होना चाहिए। देखिए, इस पूरे मामले पर पीड़ित से बातचीत की गई। पीड़ित ने बताया कि 8 साल पहले उन्होंने लव मैरिज की थी, 7 सालों तक सब कुछ सही रहा,
लेकिन 7 सालों के बाद जब बीवी का मायके आना जाना शुरू हो गया तो इनके घर में कलेश शुरू हो गया। जी हाँ, आए दिन इनकी लड़ाइयाँ होने लगी। शादी के 8 साल बाद अब इनकी बीवी इनके साथ रहने से इनकार कर रही है। वहीं आपको बता दूं कि इनके 4 बच्चे भी हैं। जी हाँ, आपने देखा कि इनके 4 बच्चे हैं यहाँ पर, और इसके बावजूद भी इनकी जो बीवी है वो अब इनके साथ रहने से इनकार कर रही है। बीवी का कहना है कि वो अब इनके साथ नहीं रहना चाहती। वहीं आपको जानकर हैरानी होगी कि वो अपने 4 बच्चों को लेने से भी इनकार कर रही हैं। जी हाँ, वो अपने किसी भी बच्चे को अपने साथ रखने को भी तैयार नहीं है। उनके पति का कहना है कि शादी के 7 सालों तक सब कुछ अच्छा चलता रहा, ना कोई लड़ाई ना कोई कलेश, लेकिन जब से बीवी ने उसके मायके आना जाना शुरू किया उनके घर में कलेश शुरू हो गया। और अब नौबत यहाँ तक आ गई है कि जो बीवी है उसने अपने ही पति के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी, उन्हें थाने के चक्कर कटवा दिए, पुलिस वाले इनके साथ मारपीट करते नजर आ रहे हैं, और पुलिस वालों का जो व्यवहार इन्होंने बताया कि पुलिस वाले इनके साथ अभद्र व्यवहार करते नजर आ रहे हैं। वहीं इनका कहना है कि आप चाहें तो किसी से भी पता कर लीजिए, इनके घर में कोई भी लड़ाई झगड़ा 7 सालों तक नहीं देखने को मिला, लेकिन जब से बीवी का आना जाना मायके में शुरू हुआ इनके घर में कलेश का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया। बहरहाल अब इनका कहना है कि अगर इनकी बीवी इनके साथ रहने को राजी है तो ये अभी भी अपनी बीवी के साथ ही रहना चाहते हैं। मगर जो अभी बात निकल कर सामने आ रही है वो ये कि वही इनका कहना है कि इनकी बीवी राखी इनके साथ रहने से सरासर इनकार करती नजर आ रही है, और इस बात का जिम्मेदार ये अपने ससुराल वालों को मानते हैं, क्योंकि इनका कहना है कि शादी के 7 सालों तक सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा था, लेकिन जब से बीवी ने मायके आना जाना शुरू किया ये जो पूरा सिलसिला है, ये जो पूरा फसाद है, ये चालू हो गया, और अब इनकी बीवी का कहना है कि वो इनके साथ नहीं रहना चाहती। वहीं देखिए, आपको स्क्रीन पर कुछ फोटोज नजर आएंगी जिनमें शादी के शुरुआत में इनकी बीवी ने खुद के मायके वालों के खिलाफ कुछ रिपोर्ट्स लिखवाई हैं, FIR दर्ज करवाई है। जी हाँ, आप देख सकते हैं ये जो फोटोज स्क्रीन पर दिख रही हैं, इनमें आप साफ देख सकते हैं कि इनकी बीवी ने लिखित में दिया है कि उनके ससुराल में सब कुछ बहुत अच्छा है, सारे लोग उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, वहीं उनके जो मायके वाले हैं वो जबरदस्ती उनकी शादी खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आखिर 7 साल बाद ऐसा क्या हो गया कि अब उनकी बीवी का जो रवैया है वो बिल्कुल उलट नजर आ रहा है। अब बीवी का सरासर कहना है कि वो अपने पति के साथ किसी भी कीमत रहने को तैयार नहीं है। बहरहाल अब इस मामले में देखना होगा कि इनकी बीवी क्या कुछ फैसला लेती है और क्या वो अपने इस फैसले पर अटल रहती है कि उन्हें अपने पति के साथ नहीं रहना है। वहीं पति का कहना, मैंने आपको बताया कि इनका कहना है कि अगर इनकी बीवी इनके साथ रहना चाहती है तो ये अपनी बीवी के साथ अभी भी रहना चाहते हैं। लेकिन देखिए, कहीं ना कहीं इस मामले में जो दांव पर लग रही है वो है 4 बच्चों की। जी हाँ, 4 मासूम बच्चों की जिंदगी। 4 मासूम बच्चे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि ये तो निकल जाएंगे कमाने के लिए, उनके पीछे उनके परिवार में ये जो बच्चे हैं इनकी देखभाल आखिर कौन करेगा। इनकी बीवी ने तो सरासर इनकार कर दिया कि वो अपने बच्चों को अपने साथ नहीं रखेंगी, और उनकी माता का कहना है कि अभी तुम्हारी उम्र कम है, तुम्हारी दूसरी शादी भी करवा दी जाएगी। अब इस पूरे मामले पर आप अपनी राय कॉमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर शेयर करें। कैमरा पर्सन आकाश शर्मा के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।